वही लोकसभा चुनाव के बीच में कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पार्टी के एक वरिष्ठ मुस्लिम नेता और स्टार प्रचारक शुक्रवार को मौजूदा लोकसभा चुनाव के प्रचार अभियान से बाहर हो गए और चुनाव प्रचार समिति भी छोड़ दी। असल में कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई के कार्यकारी अध्यक्ष MRF नसीम खान ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पत्र लिखकर 2024 के लोकसभा चुनावों में महाविकास अघाड़ी यानी MVA सहयोगियों द्वारा महाराष्ट्र में किसी भी मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में नहीं उतारने पर गहरी निराशा व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि राज्य की कुल 48 सीटों में से MVA ने एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को नामांकित नहीं किया गया है। कई मुस्लिम संगठनों, पार्टी नेताओं और कट्टर कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि कम से कम एक प्रमुख मुस्लिम नेता मैदान में होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। खान ने कहा कि मैं कांग्रेस के इस अनुचित निर्णय से बहुत परेशान हूं। अतीत में जब भी पार्टी ने मुझे गुजरात, गोवा, कर्नाटक, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र सहित अन्य राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियां सौंपी, मैंने इन्हें ईमानदारी से निभाया। अब मैं लोकसभा चुनाव 2024 के तीसरे, चौथे और पांचवें चरण के लिए प्रचार नहीं करूंगा। देखिए, सवाल यह है कि मैं जिस आज महाराष्ट्र में अल्पसंख्यक समाज के सभी संगठन, समाज के लोगों में बहुत जोरदार प्रतिक्रिया हुई है, क्योंकि 48 लोकसभा सीट में एक भी अल्पसंख्यक समाज को यहाँ पर उम्मीदवारी नहीं दे जाने से लोगों में बहुत नाराजगी है, रोष है, और मैं भी नाराज हूँ, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की बहुत पुरानी विचारधारा है, एक परंपरा रही है कि सभी समाज और सभी लोगों को साथ में लेकर चलने की, सभी को प्रतिनिधित्व देने की, चाहे अल्पसंख्यक समाज हो, OBC हो, महाराष्ट्र में मराठा समाज हो, SC हो, ST हो, सभी समाज को प्रतिनिधित्व देने की हमेशा से परंपरा रही है। लेकिन इस बार 48 में से महाविकास आघाड़ी 48 लोकसभा चुनाव महाराष्ट्र में लड़ रही है, कांग्रेस 17 सीट पे चुनाव लड़ रही है, एक भी उम्मीदवार अल्पसंख्यक समाज का नहीं दिए जाने से लोगों में बहुत रोष है। कल से बहुत सारे महाराष्ट्र के मुस्लिम संगठन के पदाधिकारी मुझसे मिले हैं, कांग्रेस के सभी लीडर्स और पदाधिकारी आकर मिले हैं, लोगों में गुस्सा है, नाराजगी है कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी है जो 48 में एक भी जगह पे लोकसभा की उम्मीदवारी नहीं दी गई है। महाराष्ट्र प्रोग्रामी स्टेट हमेशा से रहा है, यहाँ से अब्दुल रहमान अंतुले साहब सांसद चुन के जाते थे, डॉक्टर रफीक जकरिया जाते थे, और महाराष्ट्र में पिछली बार हिदायत पटेल को अकोला से चुनाव हम लोगों ने लड़ाया था। तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं एक सिंबोलिक कि महाराष्ट्र की अल्पसंख्यक समाज की आवाज देश की लोकसभा में गूंजे, वो एक अपेक्षा लोगों में थी। तो इस बार ये नहीं होने के कारण लोगों में नाराजगी, और इसीलिए मैंने, क्योंकि मैं किस तरह से, मेरे पास आज शब्द नहीं है, जवाब नहीं है, मैं समाज के लोगों के बीच जब जाऊंगा कि कंपेन करने के लिए, तो मैं किस तरह से लोगों को कहूं और लोग सवाल करेंगे कि आपकी पार्टी ने क्यों उम्मीदवारी नहीं दी है, तो मेरे पास जवाब नहीं है। तो मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं फेज 3 और 4, 5 में मैं कंपेन नहीं करूंगा, फर्स्ट और सेकंड में मैंने कंपेन किया है, और आगे में जो भी सेंटिमेंट है, जो भी भावना है, वो मैं कांग्रेस आला कमान को मैंने पहुंचा दिया।